पिछले 12 जनवरी को बक्सर के ननन गांव में मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले में हमने को नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक दलों का गांव में दौरा हो रहा है और कारणों का पता लगाए जाने के बाद हर तरफ से राज्य सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी 21 जनवरी को शरद यादव के नेतृत्व में गांव में दलित महापंचायत का आयोजन किया गया है। बक्सर पहुंचे राज्यसभा के सांसद अनवर अली और पूर्व सांसद अर्जुन राय ने एक प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में दौरे के बाद यह पता चला है कि मामले में पूरी तरह नीतीश सरकार दोषी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले में नीतीश सरकार दोषी पाए गए हैं और उन्होंने दलित के साथ अत्याचार करने का काम किया है, लिहाजा आगामी 21 जनवरी को नंदन गांव में आयोजित दलित महापंचायत के माध्यम से दलितों के साथ हुए अपमान को काफी गंभीरता से लेते हुए उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए बृहद पैमाने पर इसकी आवाज बुलंद की जाएगी। यहाँ पर जुल्म, अत्याचार और बर्बरता के साथ व्यवहार हुआ है। शरद जी ने सारी समीक्षा, आप सब जानते हैं कि शरद यादव जब निकलता है तो देश में एक धारा खड़ी हो जाती है, तो शरद जी सब समीक्षा करके आप लोगों ने जो विभिन्न समाचार पत्रों में, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में या जो अन्य तरह की एजेंसी और पार्टी की एजेंसी जब सब रिपोर्ट दिया, तब शरद जी ने तय किया कि हम नंदन गाँव को ये साधारण मामला नहीं है, ये राज्य और देश असाधारण मामला है, इसलिए हम वहीं जाकर के महापंचायत लगाएंगे। तो स्टेट पार्टी, सेंट्रल पार्टी, जनता दल यू शरद गुट का जब रिपोर्ट करता है उसके बाद शरद यादव जी का निर्णय तय होता है और 31 तारीख को महापंचायत नंदन गांव में लगाने का निर्णय लिया जाता है। इसका मतलब है ये राष्ट्रीय इशू है और इस इशू को किसी कीमत पर दबने नहीं देना है। 31 जनवरी बुधवार है, 10 बजे दिन से हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के सम्मानित नेता वहाँ आदरणीय शरद यादव जी आ रहे हैं। दलित महापंचायत इसका नाम दिया गया है और इसमें कई राष्ट्रीय दलों के नेता इसमें होंगे। कल हम लोगों ने एक बैठक की डुमराव में, जिसमें RJD के, जिसमें CPI के, जिसमें माले के, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के अलावे बाम सेफ के और दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, सब लोग वहाँ आ रहे हैं। सब लोगों ने दौरा किया है, इस घटना की निंदा की है। हम लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू के बात पर अब कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा वकील विरोध नहीं करेगा, उनका वकील विरोध किया, जमानत नहीं हुआ, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि जब एक दिन पहले जब बालू को लेकर के बंद, बिहार बंद का आह्वान हुआ था, विरोधी दलों ने किया था, तो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बालू पर वही नीति लागू होगी जो पहले चलती थी और अभी तक वो लागू नहीं, वही बात अब भरोसा उठ गया इसमें कह रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से मुकदमा वापस हो और उस उनका भी विकास किया जाए, उनका भी हक है, बल्कि पहला हक है जो जो दलित है, जो वंचित समाज है, उस वहाँ तक विकास की रोशनी नहीं पहुँची है, तो उनका पहला हक है वो किया जाए। और ये घटना हम लोगों ने ये मार्क किया है कि जब से BJP के साथ नीतीश बाबू गए हैं तब से उनका जो रुख है बहुत ही गरीब विरोधी, पिछड़ों और दलितों के विरोध में हो गया है। तो इसका प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। कई दलित चिंतक, कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, स्कॉलर भी उस सम्मेलन में आ रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक घटना होगी और भीमा कोरे गांव जहां दलितों पर हमला हुआ, जिसकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देश में हुई, उससे भी बड़ी ये घटना है। इसलिए कि स्टेट पावर की तरफ से, राज सत्ता की तरफ से गुंडागर्दी हुई है। तो इस सरकार के मंत्री की तरफ से बयान आया है कि विपक्ष इसे सियासी पर्यटक स्थल बना रहा है। देखिए, अगर ये जुल्म करेंगे
और जुल्म का विरोध करना राजनीति है तो ये राजनीति हम लोग करेंगे, साफ साफ है राजनीति, गरीबों के पक्ष में खड़ा होना होकर हम लोग राजनीति करेंगे। अगर वो अमीरों की, अगर वो पहले से जहां विकास चला गया है वहीं ले जाकर के विकास करना चाहते हैं तो इस विकास का हम लोग विरोध करेंगे। सुशासन, मुख्यमंत्री पर हमला, दलितों पर अत्याचार, तील का प्लान बनाकर राजनीतिक राजनीतिक दलों का इन दिनों उस गांव में मलहम पट्टी लगाना, क्या यही उचित है? अगर जेड प्लस सिक्योरिटी मिलना है, लेना ही था तो आसान था, उनकी सरकार ही है दिल्ली से यहाँ तक, वो ले सकते हैं। लेकिन इस घटना को पहले मारा भी और कह रहे हैं कि रो मत, जबरा मारे भी रोहू ना दे, यह कहानी के चरितार्थ नीतीश बाबू करते हूँ। ओनी के पिटाई भी भाई पहले, आप पिटाई में ये चाहत उनकी, ओनी के प्रतिक्रिया तो हुई आजकल, औरतों मेहरारू के अपना मारब तो औरतों थापर चला दी। आपको क्या लगता है जेड प्लस सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार ने हमला कराया अपने ऊपर? नहीं, हमने ही कह रहे हैं अपने ऊपर हमला नहीं कराया, उनके लोगों ने जो किया जिसके चलते ये हुआ, तो इसको बहाना बना रहे हैं जेड प्लस सिक्योरिटी। आपने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक दंडित नहीं हुआ है, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, हुआ है तो सबसे बड़े दोषी तो मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम लोग प्रशासन, उनके गैर मौजूदगी में अगर ये बात हुई रहती तो हम लोग कहते, हम लोग कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में उनके आंख के सामने हुआ है, और अगर जो मान लीजिए हो गया बाद में दूसरे दिन जो पुलिस ने बर्बरता की है वो बर्बरता को तो एकदम वो रोक सकते थे। किसके इशारे पे बर्बरता हुई? बिना आला कमान के इशारे, पुलिस को ये हिम्मत है कि जा करके दूसरे दिन महिलाओं को बेइज्जत करे और गिरफ्तार करे? बहुत बहुत सुशासनी बड़ी महापंचायत लगाने की जरूरत पड़ी। हमारा राज्य यूनिट और सेंट्रल यूनिट दोनों ने जो रिपोर्ट की शरद यादव ने जांच पड़ताल करने के बाद ये समझा कि जो दलितों पर इतने बड़े अत्याचार बिहार के नंदन गांव में हुए, और खासकर दलित महिलाओं पर, दलित पर अत्याचार पुरुष पर होता है उससे भी बड़ा अत्याचार महिला को, और महिला को जेंट्स पुलिस अर्धरात्रि में किस अवस्था में घसीट करके जेल में बंद किया, ये हम समझते हैं देश के इतिहास में इससे बड़ा कलंक का धब्बा कभी नहीं लगा। और श्री नीतीश कुमार जी जो महिला की दुहाई देते हैं, सम्मान की, महिला अधिकार की बात करते हैं, ये नकली है, और इन्होंने महिलाओं को जेंट्स पुलिस से घसीट करके रात में जेल में बंद करके जैसे उग्रवादी और आतंकवादियों के साथ व्यवहार होता है उस तरह से व्यवहार इन्होंने किया है। और इसका एक ही पनिशमेंट है कि इस तरह के डिक्टेटर शासक को जब तक सत्ता से बाहर नहीं किया जाए, जो जिस राज्य में कानून का शासन नहीं हो, मुख्यमंत्री खुद महिलाओं को प्रताड़ित करवाता हो, मुख्यमंत्री के बयान बार बार बदल रहे हो, मुख्यमंत्री कह रहे हो कि हम इनका बेल होगा, हमारा वकील इस पर नहीं जाएगा, वकील भी जा रहा हो, और एक घटना में 6 FIR आज तक बहुत कम जगह आप देखे होंगे कि घटना एक घटी है जिसमें कोई हताहत नहीं है, और जहां के मुख्यमंत्री, जहां का शासक सहिष्णु नहीं हो, जिसमें टॉलरेंस नहीं हो, हम समझते हैं उस राज्य का भारी नुकसान होने वाला है और बिहार का भारी नुकसान हो रहा है। और इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी और RSS के हाथों बिहार के 11 करोड़ लोगों के सम्मान को गिरवी रख दिया। क्या संदेश जाएगा, क्या है इसका उद्देश्य? पूरे देश में शरद जी के नेतृत्व में उनके आगमन को लेकर सारी पूरी तैयारियां व्यवस्थित रूप से कर ली गई है, और शरद जी के विचार जानने के लिए देश स्तर का यह मुद्दा जो है, दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, महादलित महिलाओं पर जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश के महागठबंधन के जितने नेता हैं, चाहे शरद पवार के तारिक अनवर जी हों, चाहे वह चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी हों, चाहे देश के बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, हमारे माननीय पूर्व सांसद अर्जुन राय जी बक्सर में बैठकर कैंप कर रहे हैं, तैयारियों के लिए हम लोग प्रतिदिन गांव का दौरा कर रहे हैं, और गांव में हर स्थिति और परिस्थिति से हम लोग अवगत हो रहे हैं। खासतौर पर काफी लोगों के बीच में उत्साह है, और खासतौर खोली जाएगी नीतीश कुमार के पूरे देश स्तर पर इनकी जो मानसिकता है, इनका जो विचारधारा है, इनका जो 7 निश्चय का व्यवस्था है, काम करने का तौर तरीका है, यह पूरे देश में दिखाया जाएगा कि जिस महादलित के नाम पर आपने 7 निश्चय का व्यवस्था बनाया है, वह 7 निश्चय
पूरे जिस जगह पर आपका कार्यक्रम लगा वहां फेल दिखाई दे रहा है, वहां पर काम नाम का कोई चीज नहीं है, वहां कोई भी व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। इसके चलते जहां मुख्यमंत्री मौजूद हो और मुख्यमंत्री जी से लोग मिलना चाह रहे थे, उस स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने दलित महिलाओं को अवहेलना करके उनकी बातों को न सुन करके, और आप ढोल बजा रहे हैं पूरे देश में कि हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। आप तो खुद महिलाओं को अत्याचार करके महिलाओं को जेल भेजने का काम किया है। आपके जैसा मुख्यमंत्री आज से आजादी के 69-70 साल के बावजूद भी कोई नहीं हो सका है। माननीय शरद जी संदेश देने के लिए आ रहे हैं, एक विचारक हैं, और देश में शरद जी के चलते नीतीश कुमार बने। शरद जी ने 7-7, 8-8 मुख्यमंत्री पैदा करने का काम किया है। शरद जी के अगुवाई में फिर देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार का बिहार से सफाया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत।